क्या डर्मा रोलर से हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है? आज के इस वीडियो में डर्मा रोलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक बने रहिए मेरे साथ। डर्मा रोलर से डेफिनेटली हेयर ग्रोथ हो सकती है। पहले तो ये जानें कि डर्मा रोलर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। डर्मा रोलर में माइक्रो नीडल्स पाए जाते हैं, जो कि जब हम उसको सरफेस पे स्कैल्प के ऊपर उसको हम जब रब करते हैं तो वो स्कैल्प को डीप पेनिट्रेट करती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो हमारे हेयर रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और वो कोलेजन को ज़्यादा बिल्ड करने लगती है। इसके साथ ही वो हेयर फॉलिकल को ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की वजह से जो फॉलिकल क्लोज हो गए हैं उनको ओपन कर देती है और फॉलिकल को रीओपन करती है, साथ में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो इस तरीके से माइक्रो नीडलिंग जो है वो बहुत बेनिफिशियल। डर्मा रोलर से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो गलत तरीके से डर्मा रोलर कर लेते हैं और कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए आपके वो सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा जो अक्सर आप लोग पूछते हैं। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि डर्मा रोलर हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो डर्मा रोलर डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन सब केस में नहीं। कुछ केस ऐसे हैं जिनमें डेफिनेटली उसका वर्क करती है, लेकिन हर केस में, हर हेयर फॉल में डर्मा रोलर इफेक्टिव नहीं है। किस केस में डर्मा रोलर इफेक्टिव नहीं है? वो हेयर फॉल जो आफ्टर लॉन्ग डिसीज के बाद हो रहा हो, हेयर फॉल जैसे डेंगू, टाइफाइड, उसके बाद जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसको डर्मा रोलर से इफेक्ट नहीं मिलेगा। सेकंड, वो हेयर फॉल एलोपेशिया एरियाटा में भी डर्मा रोलर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज होती है जिसकी वजह से इस तरीके का बाल्डनेस आता है। थर्ड, टेलोजन इफ्लुवियम में भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। तो डर्मा रोलर हर केस में इफेक्टिव नहीं है। डर्मा रोलर डेफिनेटली उन केस में इफेक्टिव है जिनमें बहुत जल्दी हेयर फॉल, अर्ली एज में हेयर फॉल हो गया हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो गया हो, उन केस में डर्मा रोलर बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। अब जो पहला क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं कि डर्मा रोलर कब करना चाहिए, वो अगर जब आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं डर्मा रोलर तो उसको वंस अ वीक यूज़ करें। वन मंथ तक आप उसको वंस अ वीक यूज़ करें, देन आफ्टर आप उसको ट्वाइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, टू और थ्री मंथ के लिए, थ्री मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर डर्मा रोलर। हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो हम हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें होम्योपैथिक हेयर ग्रोथ सीरम आते हैं उनको आप यूज़ करते हैं तो आपको एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं और आपका हेयर रीग्रोथ भी होता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो ये कि क्या डर्मा रोलर को रेगुलर यूज़ करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, डर्मा रोलर को हम रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको एक्सेसिव यूज़ करने से हमारी स्कैल्प में बर्निंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ ही हमको ऐसे कोई से भी सीरम यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें वो सीरम यूज़ नहीं करने चाहिए जिनमें विटामिन सी हो, रेटिनॉल हो, या किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज हो। वो केमिकल सीरम हमारे को बर्निंग सेंसेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि क्या डर्मा रोलर हेयर वॉश कर सकते हैं? तो एग्जैक्ट उसके बाद फौरन नहीं हेयर वॉश करना चाहिए, हम 24 आवर्स बाद हम डर्मा रोलर के हेयर वॉश कर सकते हैं किसी भी माइल्ड शैम्पू से। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हम हेयर फॉल रोक सकते हैं। वेलकम टू डॉक्टर हुसैन यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुशफिक हुसैन
फ्रॉम डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक भोपाल। आज के इस वीडियो में आपको हेयर फॉल को रोका जाएगा, हेयर फॉल को स्ट्रेंथ किस तरीके से दी जा सकती है ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये बताया जाएगा, साथ में मसाज से भी हम और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से भी हम हेयर फॉल रोक सकते हैं और हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विथ मी। के रूट्स को प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तब तक हमारा हेयर फॉल नहीं रुकेगा। इंटेंसिव केयर देनी पड़ती है हेयर के लिए, तो यहाँ सबसे पहले हम किस तरीके से मैनेजमेंट करें, मसाज जरूर करें, हेड मसाज बहुत इम्पोर्टेंट जरूर करें। इसमें इससे क्या होगा कि हमारी हेयर रूट्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगा, हेयर रूट्स हमारे जो बहुत डल हो गए वो एक्टिव हो। एक बार जरूर ले, प्रॉपर तरीके से 10 मिनट किसी भी ऑयल से भी हेड मसाज ले सकते हैं, सिंपल हेड मसाज भी ले सकते हैं, जरूर करें। किसी भी तरीके से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही बढ़ेगा तो आपकी हेयर रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, प्रॉपर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी और आपके पूरे प्रॉपर मिनरल्स देंगी और हेयर हेल्थ इम्प्रूव करेंगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मसाज करें और सर्कुलेशन बढ़ाए। होम्योपैथिक मेडिसिन हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये रूट कॉज देख के आपकी हेयर फॉलिकल का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करती है और हेयर फॉलिकल को प्रॉपर न्यूट्रिशन देकर हेयर रीग्रोथ करती है, हेयर को स्ट्रॉन्ग करती है। कुछ मेडिसिन है, काली सल्फर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दी जाती है, तो ये हेयर को स्ट्रेंथ देती है और हेयर फॉलिंग में, क्योंकि केमिकल की वजह से हेयर फॉलिंग हो रही है तो उसको रोकती है। सेकंड, किसी तरीके का कुछ एलर्जी हो गई है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे इचिंग हो रही है, बहुत एलर्जिक हो गए हैं, तो यहाँ एपिस ये जो इस तरीके की एलर्जी को दूर करती है। स्वेलिंग आ रही है, पूरे फेस पे स्वेलिंग आ रही है, बहुत चुभने जैसा दर्द हो रहा है, सुबह और शाम देते हैं, तो ये इस तरीके की एलर्जी होने पे, क्योंकि इचिंग इरेक्शन एलर्जी होती है, उसको दूर करने के लिए सल्फर की मेडिसिन हम उन पेशेंट को देते हैं जिनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इचिंग हो रही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सट्रीम लेवल पे इचिंग हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है और वो इचिंग ऐसी है कि स्क्रैच करके ब्लड आ रहा है, तो उन पेशेंट को हम सल्फर की पोटेंसी सीवियरिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ये 30 पोटेंसी दिन में 2 बार देते हैं और 200 की पोटेंसी दिन में देते हैं। इसके बाद हम बहुत सारे हेयर टॉनिक भी प्रोवाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसमें इस पे पूरा कस्टमाइज एक हेयर टॉनिक बनाया जाता है, कुछ हेयर सीरम बनाए जाते हैं, कुछ हेयर स्प्रे दिए जाते हैं, जिससे कि हेयर के पूरी लेंथ पे काम किया जाता है, लेंथ पूरी स्ट्रॉन्ग की जाती है, हेयर को ठीक किया जाता है और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और हेयर की लेंथ बढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से जो भी पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सही एनालिसिस करके आपको मोस्ट सुटेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे और परफेक्ट डोज दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, जो एंजाइटी हो रही है हेयर फॉल की वजह से, वो भी दूर होगी और आप हमेशा के लिए ठीक होंगे और किसी तरीके का कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, परमानेंट क्योर मिलेगा। तो इस तरीके से हम डॉक्टर हुसैन एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक में कस्टमाइज करके प्रॉपर हेयर टॉनिक, हेयर सीरम और हेयर ऑयल देते हैं, साथ में हेयर शैम्पू भी देते हैं और कुछ हेयर पैक देते हैं। तो इस तरीके से आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।